आंवला के ग्राम हाजीपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की हुई मौत, मायके वालों ने हत्या का लगाया आरोप। थाना आंवला क्षेत्र के गांव हाजीपुर में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला के मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। थाना भमोरा क्षेत्र के गांव मई कीरतपुर निवासी ओम प्रकाश ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि मेरी पुत्री सुमिता 23 वर्ष की शादी करीब 3 वर्ष पूर्व हाजीपुर के पुष्पेंद्र के साथ की थी। मैंने अपनी हैसियत के अनुसार खर्च किया था। आरोप है कि पुत्री का पति बरेली में प्लॉट खरीद कर देने की मांग करता था, जिसके चलते वहां मारपीट करता था और सोमवार को पति सहित ससुरालियों ने गला दबा कर उसकी हत्या कर दी, जिसकी सूचना पर मायके वाले हाजीपुर पहुंचे। पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर इंस्पेक्टर राजकुमार शर्मा और नायब तहसीलदार शोभित चौधरी पुलिस बल के साथ पहुंचे और विवाहित सुमित 23 वर्ष का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। बताया कि मृतका के पति व अन्य ससुराली मौके से फरार हो गए। ओम प्रकाश, क्या हुआ? लड़की मार दी। देखो, जो दहेज के पीछे मारते ही बहुत घबराते है। हमने रास्ते में भी मारते, बिना कारण की लाते। तो आज आज क्या हुआ फिर? आज वो मोटरसाइकिल सवेरे हमारी बात हुई थी। कितने समय शादी हुई थी आपको? 3 साल हो गई। ये मामला हुआ था, मतलब ये हमारी बहन को लेके जाते थे यहाँ से छोड़ने, जब भी मारते थे रास्ते में 2-3 जगह, और उधर से लाते थे जब भी मारते थे, और यहाँ कलेशबाजी ज़्यादा था। इनकी जो मतलब पुष्पेंद्र की जो बहन है वो इनसे ज़्यादा विरोधवादी करती थी, और इनके वो मतलब सास थी इनकी, वो भी इन्हें मारती थी, और ये गला घोट के मौत हुई है।